गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने गार्डन की, अपनी क्यारी की, भिंडी की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, ये मेरी भिंडी की क्यारी है। देखिए आप, मैं कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने पहले मैंने बोया था और एक दूसरी क्यारी, ये छोटी है, ये एक मैंने बाद मैंने बोया था। देखिए आप, भिंडी लग रही है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, कितने हेल्दी पौधे हैं। देखिए आप, थोड़ा सूरज की रोशनी लग रही है कैमरे पे, ये देखिए। तो दोनों क्यारियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। ये देखिए साथियों, मैंने दोनों क्यारियाँ आपको दिखा दी हैं। और ये इसके फूल, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसमें परागण मधुमक्खियों से होता है। देखिए आप, मधुमक्खियाँ इसको परागण करती हैं, देखिए पॉलिनेशन करती हैं मधुमक्खियाँ। तो ये ध्यान देना है कि मधुमक्खियाँ हमारे गार्डन में आएं, उनको आकर्षित करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हमेलिया या और भी कोई फ्लावर प्लांट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए आप, अभी भिंडी देखिए, ये जो है भिंडी को तोड़ने से पहले, हार्वेस्ट करने से पहले तो उसको थोड़ा ऐसे दबानी पड़ती है। अगर वो दब जाए तो इसका मतलब मुलायम है और टूट जाएगी आराम से। इसी प्रकार दूसरे को भी, इसको भी दबा के ये भी टूट जाएगी। देखिए ये तीसरी वाली, ये भी टूट गई क्योंकि मुलायम है। अभी मैंने कुछ इसमें सख्त वाली भी रखी हुई हैं जो कि हार्ड है। ये देखिए आप, ये सब्ज़ी के काम नहीं आएगी, ये सब्ज़ी के काम नहीं आएगी। इसको मैं अगले साल बीज के लिए रखी हुई है, ये देखिए। उसी प्रकार इस पौधे में भी देखिए आप, ये भी सख्त है, ये भी नहीं तोड़नी है। और ये वाली मुलायम है, देखिए इसको हार्वेस्ट करता हूँ। और आगे वाली भी मुलायम है। कोई कोई तोड़ने में थोड़ा सा हल्का ताकत लगानी पड़ती है। देखिए ये वाली उसी प्रकार से थोड़ा घुमाएं और तोड़ें, अगर कोई सीधा नहीं टूटता तो घुमा के टूट जाते हैं। ये देखो, ये वाली मुलायम मुलायम को मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए आप एक एक करके। देखिए साथियों, भिंडी एक पौष्टिक सब्ज़ी है और VIP सब्ज़ी भी है। इसको कोई मेहमान अगर घर में आते हैं तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है इसकी, और बहुत अच्छी पौष्टिक ये सब्ज़ी मानी जाती है। काफ़ी सारा न्यूट्रिशन इसमें होता है। अभी इस तरफ से मैं घूम के जाता हूँ, इधर की देखता हूँ कितनी है। ये सख्त हो गई है, ये भी सख्त है, ये भी सख्त है, ये मुलायम है जिनको मैं तोड़ रहा। ये इस प्रकार से, ये देखिए ये भी है, और एक इधर छूट गया है, ये वाली, ये भी मुलायम है। अभी चलते हैं और आगे आगे की तरफ थोड़ा। ये सख्त है, इसको नहीं तोड़ूंगा। ये जो है पीली हो गई है, देखिए आप, ये पीली हो गई है और ये बीज के लिए तैयार है। थोड़ा दो चार दिन के बाद ये देखो, ये काफ़ी भिंडियां हैं जो मैंने बीज के लिए छोड़ी हुई है। ये है देखिए आप, ये तो हरा है अभी, लेकिन है टाइट, खाने लायक नहीं है। और भी हैं काफ़ी सारे, ये देखिए ये भी टाइट है, ये भी खाने लायक नहीं है, ये खाने लायक नहीं है, ये भी बीज के लिए है, ये भी बीज के लिए है, सारी बीज के लिए रखी हुई है। जो टाइट हो गई वो बीज, और जो मुलायम है उसके इस्तेमाल, उसको इस्तेमाल सब्ज़ी के लिए, इसको सांभर में डालें, सब्जी में डालें। भिंडी का तो सभी को पता है कितने सारे फ़ायदे हैं और कितनी टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। और बहुत तरीके हैं इसकी सब्ज़ी बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। साथियों, मैंने इतनी भिंडी हार्वेस्ट कर ली है और दो आदमी हैं, दो आदमियों की ये एक दिन एक टाइम की सब्ज़ी काफ़ी है। देखिए आप, ताज़ी भिंडी, ऑर्गेनिक भिंडी, टेस्टी भिंडी और बिल्कुल हरी भिंडी। आज मैं इसका बनाऊंगा सांभर। साथियों, आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, ये ट्रैप लगाने का फ़ायदा देखो, मैंने ट्रैप भी लगा रखा है, बीच में आपको पीले रंग का दिख रहा होगा, और दूसरी क्यारी में मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रैप है नज़दीक से, और इस पर बहुत सारे कीड़े चिपके हुए हैं। ये भिंडी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, ये कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, और इसलिए मैंने उस क्यारी में जो बड़ी क्यारी है उसमें दो, ये छोटी क्यारी में एक लगा रखा है। देखिए आप, सारे कीड़े चिपके हुए हैं, क्योंकि यहाँ भिंडी के ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक करते हैं, ये उड़ने वाले कीड़े, मच्छर वाले कीड़े हरे रंग के, और स्प्रे से भी ये भाग जाते हैं। तो इसलिए ये ट्रैप मैंने लगाया है, इस ट्रैप का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया है। ट्रैप लगाने से मेरी भिंडियाँ अच्छी ग्रो हुई है, वैसे यहाँ भिंडी होती नहीं थी, सारा पौधा सूख जाता था इनके कारण, क्योंकि ये पत्तियों का रस चूस लेते थे। तो ट्रैप लगाने का ये भी फ़ायदा है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन दबा के मेरा ये ट्रैप का जो पीले रंग के हैं इनको ज़रूर देखें उस वीडियो को। और बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।